और स्किन की ना यहाँ तो बैंड ही बच चुकी है, मतलब ये यहाँ पे और भी ब्राइट। अभी मीठी पे ट्राई कर रहे हैं हम, उसके लिए जो क्रॉक्स लेके आए थे। ये मीठी जरा देखना। तो मैंने कल यहाँ पे अपना बैग दिया था ना, तो अभी हम मॉर्निंग में जोशीमठ जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से अपना बैग ले रही हूँ। सो हे फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज ना हम मॉर्निंग में अपने गांव से आ गए थे। प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग में गई थी, और उसके बाद हम अपने गांव के भिखोदी के मेले में गए। तो वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट तक प्रोग्राम चला। हमारा भिखोदी का मेला होता है वो सुबह 5-6 बजे तक चला, तो हम लोग मंदिर में थे। और हम मेरी ना काफ़ी दिनों से, एक वीक हो गया होगा, मैं मतलब सही से सो नहीं पाई हूँ क्योंकि फ्रेंड की शादी थी। तो और ये जो बेबी मेरे हाथ में, ये है मेरी दीदी की बेटी बेटी मीठी। और मीठी भी आई थी हमारे गाँव में भिखोदी का मेला देखने के लिए। तो हम लोग ना मीठी को जोशीमठ लेके आए हैं, और आज पूरा घर मतलब काफी दिन से हम लोग, मैं शादी में थी, मम्मी लोग गांव में थे, तो हम लोगों ने साफ सफाई की नहीं, तो आज मतलब क्लीनिंग में ही पूरा डे निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जोशीमठ आ गई थी, तो शादियों में जाके ना जुकाम वगैरह लग गया है, और मैं ना कल दिन भर सोई हुई थी, तो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो किया था गांव से आते हुए, लेकिन मैं दिन में कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं वो ब्लॉग आज से कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज तनुष हमने कर लिया है, और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। मार्केट में ना मैंने अपनी फ्रेंड की ज्वेलरी वापस करनी थी, जो ब्राइडल ज्वेलरी लेके आए थे पर उसने पहनी नहीं, तो उसे मतलब रिटर्न करने जाना है जिन आंटी की शॉप से हम लेके आए थे। तो अभी जाती हूँ मार्केट, फिर उसे रिटर्न करती हूँ, और आज दिन में हम लोग जा रहे हैं गाँव। आप सब सोच रहे होंगे मैं गाँव से ऊपर नीचे करते रहती हूँ, तो हमारा ऐसे रेगुलर ऐसे चलता रहता है। तो हमारे गाँव में ना आज मानंद भगवती अपने ससुराल जाने लग गई, ऊपर वाले मतलब दीव वाले मंदिर में जो चौपता माई की आई थी, तो वहाँ से अपने ससुराल जाने लग गई हैं। तो आज हैं, तो आज अभी दिन में शायद फुरचेली वाला नृत्य होगा, डांस होगा कुछ, तो मुझे पता नहीं है, तो वो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ। थोड़ी देर में चलेंगे गाँव खाना खुना खाने। जहाँ मैं अपने दोस्त के गाँव गई थी ना, तो वहाँ और अपने गाँव गई थी, तो ये सब बहुत टॉप पहाड़ियों पर हैं, तो यहाँ ना इतना ठंडा पानी आता है जिसकी वजह से स्किन वगैरह सब ड्राई हो जाती है। तो आजकल मेरे स्किन होंठ वगैरह सब ड्राई हो चुके हैं, और मतलब ठंड की वजह से गाल वगैरह ना, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पहाड़ों का पानी आता है। तो अभी भी देखती हूँ, उसका भी कुछ करती हूँ। वो ज्वेलरी बॉक्स भी देखे आना है, और ये भी रिटर्न करके आना है। और मीठी यहाँ पे दाल नहीं पी रही है। मीठी बाय, यहाँ देख, आ जा। तो मुझे ना अपनी दीदी के स्लीपर्स पसंद आ गए थे, तो मैं फटाफट इनको पहन के आ गई, और फटाफट भागती हूँ उससे पहले पता चले। और स्किन की ना यहाँ तो बैंड ही बच चुकी है, मतलब गाँव में शादियों में ठंडे में। तो ये है वो ज्वेलरी, और आंटी की शॉप से ली थी। तो आंटी देखो, ये यहाँ पे और भी ब्राइडल ज्वेलरीज हैं आंटी की शॉप। यहाँ पे मिट्टी के लिए क्रॉक्स लेना है, छोटे क्रॉक्स हैं आंटी, वो ऐसे आपके पास कैसे हैं? अलग अलग छोटे भी, इतना छोटा नहीं है, 9 महीने का भी। जैसे ये नीचे ऐसे दिखाना है, ग्रीन वाले से कर दो, कर दो। तो ये ऐसे टाइप के सैंडल लेने मुझे, और है कुछ? ये तो बड़े बड़े हैं आंटी, कितने साल के बच्चे के लिए? ये आ जाएगा 2-3 साल के बच्चे का, आते सही तो आ जाएगा। अच्छा ये तो इस टाइप में है, पर मुझे मिले ऐसे रहे हैं ऐसे कुछ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के लिए ये वाले क्रॉक्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे मार्केट का काम पूरा हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ घर। अभी मीठी पे ट्राई कर रहे हैं हम, उसके लिए जो क्रॉक्स लेके आए थे। मीठी जरा देखना, मीठी पे फिट आते कि नहीं आते, आ जाने चाहिए वैसे। नौ महीने के तो नहीं थे यार, देख तो पीछे को थे। ठीक हो रहे? ठीक हो रहे हाँ। दूसरा ये मीठी ये मीठी ने पहन दी अपने क्रॉक्स, सब चल के दिखा दो, चल तो पाती नहीं है ना। मैं ना अभी मार्केट से आ गई थी, और अभी मैं आई हूँ अपने घर के आगे वाले गार्डन में। तो यहाँ पे ना मटर लगे हुए हैं, और हम जा रहे हैं गाँव। मम्मी ने कहा था मटर लेके आना यहाँ खेत से, क्योंकि यहाँ ना बहुत बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं निकालने के लिए ना अपने पास एक थैला भी लेके आई हूँ ये, और अब मैं इसमें निकालती हूँ, फिर हम खाना खा के फिर निकलेंगे गाँव के लिए। लोग आजकल यहाँ नहीं थे ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटर लगे हुए हैं ना। मैंने इतने सारे मटर निकाल दिए हैं, और ये है मेरा घर। घर के आगे का व्यू इधर से, ये हमारे घर के ना जस्ट सामने पे वाला खेत है, और यहाँ से नीचे सबके खेत वगैरह हैं, हमारा सिर्फ इतना ही है यहाँ से इधर तक पॉली हाउस तक। यहाँ पे ना मैंने थैला भर के मटर निकाल दिया ये, और अभी अभी मेरी छोटी बहन भी पहुँच चुकी है जो कि गोपेश्वर से आई है, और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। तो ये निशा को इतने सारा गिफ्ट मिले हैं, तो ये मेरी छोटी सिस्टर है। रुक जाना। अच्छा हाँ, तो ये मेरी छोटी सिस्टर, तो ये SBI में इधर डेवलपमेंट मैनेजर बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन याद है। थैंक यू। हाँ मीठी मौसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो।
तो उसे कोई मतलब नहीं आता बच्चों से। तो ये निशा का बैग भर के गिफ्ट आए हुए हैं। खाना तो पापा, ये तो मिक्सर है, जो जो चीज घर पे है वो सब मेरी है। ठीक है, तो क्या करेगा, रखूंगी क्या। और एक ये पैन है, डोसा पैन, पापा ये मैं लाने की सोच रही थी एक बार। और एक ये है हॉटपॉट, निशा को ये चार गिफ्ट मिले। और भी तो पूरी थी गिफ्ट हैम्पर है। और मीठी क्या देख रही, मौसी मुझे भी दे दे बोल कुछ। और ये मिल्ली के लिए लाई है बर्थडे गिफ्ट, ये लहंगा। और ये, और ये निशा को मोमेंटो मिला है, ये है ना निशा। हाँ ये मिले प्रेस वाला। अभी ना हम लोग गांव जाने के लिए निकल चुके हैं, और अभी ना गांव में हो गया है फुरचेली वाला, जो आज प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, मानंदा देवी जो ऊपर जाती हैं, तो हम तो लेट हो गए, हमने खाना खुना खा के हम निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी मैं लॉक कर दी, तो हम लोगों को ना यहाँ से निकलते निकलते बहुत लेट हो चुकी है, अभी 3 बज चुके हैं। और शायद जो मंदिर में अभी हो रहा था प्रोग्राम वगैरह, तो मीठी भी जा रही है आज अपने गाँव सूखी। मैं सुबह से कट्टे सार रही हूँ, तब तो कट्टे सारने लायक ही बच चुकी है। चला जा, तो यहाँ पे हम लोग बैठने लगे गाड़ी में। और तो मेरी मीठी सोच रही हूँ कि मैं रोज रोज कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। मीठी यहाँ देखना, जब से पैदा हुई है ये ट्रैवल ही करती रहती है, इसका एक जगह रुकने का मन नहीं करता। तो आज ना बहुत ज्यादा सामान हो गया था, तो हम ऐसे बैठे हुए एडजस्ट करके मीठी यहाँ पे बैठे गए। और मैं पूरी दब चुकी हूँ वॉकर के नीचे, इसे गोबर झाक रहा है इधर देख। और पापा यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे हमारे ढाक वाले ताऊ जी रहते हैं। और जब भी हम घर जाते हैं, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बिस्किट, ये हमारे लिए बिस्किट बिस्किट सब कुछ लेके आते हैं। ताऊ जी इतने क्यों दे रहे, अच्छा ठीक है तो हमारे लिए। ठीक है भाई, नानू बोल दो। जब भी यहाँ पे हम लोग ना तपोवन में रुके हुए हैं, पापा ले रहे हैं दीदी के लिए मिठाई, क्योंकि दीदी जा रही है अपने घर। और क्यों हंस रही है, मैंने इसे दीदी बोला था इसलिए हंस रही है, कोई बात नहीं। और निशा भी मिले चिप्स वगैरह लेके आई है, निशा लाई है लेज वगैरह यहाँ पे। और मीठी क्या खा रही है, और मीठी को सब लड़का समझते हैं क्योंकि मीठी लड़का जैसे दिखती है। और अभी हम चलते हैं गांव, तो ये मिठाई भी आ चुके ले आयशी। वन टू थ्री एस, तो मिट्टी को परो चला। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं भलंगाव में, और मैं अपनी दीदी को छोड़ना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे से वो जीजू लोग के साथ जाएगी, यहाँ तक हमने छोड़ दो पहले। तो मीठी उठी है, नहीं सॉरी उठी है, तो मेरी मीठी उठ चुकी है और मेरी मीठी अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो ये है मीठी के गांव जाने का रास्ता, और यहाँ पे मीठी का गाँव, ये ऊपर वाला ये गाँव है मीठी का, तो यहाँ जाना भी इन लोगों ने। क्या मटर है, तो यहाँ पे ना हम लोग अपने गांव में पहुंच चुके हैं। और हम लोगों के गांव से उधर से अभी ना ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे गांव में आज नाच रहे फुरचेली हमारे वहाँ, क्योंकि आज मानंदा भगवती अपने ऊपर ससुराल जा रही है, मतलब दीव वाले मंदिर जा रही है, आज फुरचेली नाच रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा है, तो मैं वहाँ जाके आप लोग को बताऊँगी। होप सो कि मेरे ऊपर गाँव पहुँचने तक वो प्रोग्राम ख़त्म ना हो अभी मंदिर में। और बाकी रात को जो जगह मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मानंदा भगवती माँ किस तरीके से अपने मायके जाएंगे। आज तो मैंने यहाँ पे गांव में पहुंच चुकी थी, और अभी अभी यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हुआ है, और हम पे टिकट का सब लग गया है, और अब होगा रात को जो भी होना होगा, दिन का प्रोग्राम ना भी खत्म हो गया था हमारे पहुंचने पहुंचने तक।